पालिया में आज है तीसरा दिन। दोस्तों आज दुधन वाटरफॉल है, वहाँ पे जाने का प्रोग्राम है और ये बड़े ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन है, आप लाजमी इसको विजिट कीजिएगा। अभी मैं होटल से बाहर निकला हूँ और मैंने कहा चले दुधन जाने से पहले अपने दोस्तों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। भाई यहाँ की ये बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल है और बड़ी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन है, आप लाजमी जब इंतालिया आएँ तो इसको ज़रूर विजिट करें। ये बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन वाली जगह है। और मैं दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इंतालिया में बस सर्विस है लेकिन वो मैप पे नहीं आती। अब जब आप गूगल में मैप करें, इस्तांबुल में हो, कहीं भी हो, बकायदा आपको बस नंबर बताएगी कि ये बस नंबर है, आपने यहाँ से चेंज करनी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भाई टोटल डिफरेंट है, थोड़ी सी स्ट्रगल है। कल भी मैं गया था, मैंने आपको बताया था KL04 बस नंबर है जो कोनिया आलती बीच पे जाती है, लेकिन वो नेट पे कहीं भी नहीं थी। वो फिर मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन ली और आज दुधन के लिए भी मैं जा रहा हूँ। देखें यहाँ पे कोई बस सर्च नहीं हो रही, कोई कुछ सर्च नहीं हो रहा। अब देखते हैं, थोड़ी सी करते हैं और आपको फिर मैं जैसे मुझे कोई मिलती इंफॉर्मेशन फिर मैं नाज़रीन आपको ज़रूर मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ साथ। जी नाज़रीन, हम दुधन वाटरफॉल जा रहे हैं और मैंने यहाँ से टैक्सी ली है तो टैक्सी का यहाँ पे 50 लीरा, अंतालिया से दुधन वाटरफॉल का 50 लीरा है। तो आप जब आएँ तो आप टैक्सी बाय कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर ईजीली जा सकते हैं, आपको स्ट्रगल नहीं होगी। बाकी में चले मैं आपको बस का भी बता दूँगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप स्ट्रगल लेने से, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम था, यहाँ पे 2 बज चुके थे तो मैं होटल से चेकआउट कर लेट हुआ हूँ, मैं लेट निकला हूँ, तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि चले मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ और यहाँ पर आप टैक्सी ले लें वो ज़्यादा बेहतर है अगर आप जल्दी में लो। ये जस्ट 50 लीरा है, इससे ज़्यादा नहीं अमाउंट बनती है। तो चलें बाकी मैं मजीद आपको आगे बताता रहूँ। नाज़रीन में दुधन वाटर पार्क में पहुंच गई, वाटरफॉल में पहुँच। भाई बहुत प्यारा ज़बरदस्त वाटर पार्क है, पहले पार्क स्टार्ट होगा फिर आगे वाटरफॉल आएगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और बड़ा ही मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा रश है, मैं आगे देख रहा हूँ काफ़ी आगे रश लगी हुई है। और यहाँ की एंट्री फीस भी है सिर्फ 5 लीरे, भाई 5 लीरे, ज़्यादा नहीं, परेशान नहीं होना, 5 लीरे हैं। अब मैं आपको वाटरफॉल की तरफ, हम पार्क तरफ चल रहे हैं, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं जब पहुँचा और देख के मैं हैरान रह गया। भाई मुझे तो नारायण का गान याद आ गया है, ऐसे ही चश्मे और ऐसे ही आबशार वहाँ पे होती हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क भी अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं अभी आया हूँ, ये देखें कि मेरे साइड पर नहरें हैं, चश्मा बह रहे हैं और नीचे मैं वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ, मैं वो भी आपको विजिट करवाता हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है भाई, मज़ा आना है, सब्र करो, जा रहा हूँ दिखाता हूँ। और नाज़रीन, हम वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर होटल कैफ़े भी हैं, आप खा पी भी सकते हैं, वो तो भी मैं रेट प्राइस चेक करूँगा फिर बताऊँगा। और मैं इस तरह, भाई ये देखें किस तरह रास्ता बना हुआ है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, ये सर बचाना यहाँ से, ये देखें मज़ा आ रहा है ना, कहा था मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये नीचे देखें, ये वाटरफॉल का पानी, भाई अंतालिया के अंदर पहली जगह थी जो ठंडे मुकाम है, यहाँ पर ठंड है और बहुत ही ज़बरदस्त है,
प्रतापगढ़ खबर ये नीचे तो आप देख सकते हैं इस तरफ का भी और मेरे इस तरफ भी आप देखिए। अच्छा यहाँ पे छोटी छोटी केव भी बनी हुई है, कारें बनी हुई है, मैं वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे मैं चारों केव बनी हुई है, घर बनी हुई है, मैं आपको इसका भी विजिट करवाता हूँ। ये देखिए मेरे ऊपर बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये बिल्कुल घर है, ये बिल्कुल अंदर आप इसको देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है और ये ऊपर भी देखें बहुत हाइट के ऊपर है। ये बड़ी बड़ी बात है नाजरीन, जैसे जैसे मैं दुदन वाटरफॉल के करीब जाता जा रहा हूँ रश बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टूरिस्ट और मुकामी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं और ये यहाँ का बड़ा फेवरेट प्लेस है। बिल्कुल अब मैं दुदन वाटरफॉल के सामने आ चुका हूँ, मैं अपना कैमरा अगर इसको घुमाऊँ तो आपको वादिया नज़र आएगा। मेरे इस तरफ देखें भाई वो है दुदन वाटरफॉल, वो मेरे सामने, मैं आपको अभी दूसरा कैमरा चला के दिखाऊँगा और उसमें आपको वादिया नज़र आएगा भाई कि दुदन वाटरफॉल है। जी नाजरीन अब ये बिल्कुल मेरे सामने है दुदन वाटरफॉल। भाई यहाँ पे रेस्ट चेक करें, जी नाजरीन यूँ हम यहाँ पे दुदन वाटरफॉल में मैंने आपको बताया जैसे कि पहुँच के और मैं आपको गाइड करता आ रहा था और मेरे एक अंकल यूके से आए हुए हैं, वो भी हॉलीडे मनाने आए हुए हैं, मैं अभी उनसे भी बात कराता हूँ, पता करता हूँ कि दुदन वाटरफॉल कैसे लगता है। जी अंकल क्या हाल है, ठीक है? ये मेरे अंकल आए यूके से आए हुए हैं यहाँ पे हॉलीडे मनाने हुए, आप आज दुदन वाटरफॉल पे हैं यहाँ पे, आपको कैसा लगा दुदन वाटरफॉल? बहुत बहुत प्यारी जगह है, बहुत जगह है, बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी इंजॉय करने की जगह, सिटी वर्क जगह है। आप लोगों को क्या मशवरा देंगे यहाँ पे आने के लिए? लक्ष्मी अगर आप यहाँ आएँ तो तीनों तरह जगह पर घूम सकते हैं, देख लें अंकल, आप बहुत दिन बता रहे हैं पिकनिक करें, अच्छी जगह है, देख लें नाजीन अंकल क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जगह है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अंतालिया है और दुदन वाटरफॉल ना है ये होगी ज्यादती, तो लिहाजा जब भी हैं इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। चले मजीद आपको साथ साथ मैं गाइड देता रहूँगा। नाजरीन हम वाटरफॉल के करीब आ चुके हैं और ये गार बनी हुई है, मैं गार के अंदर भी आपको लेके जाता हूँ शायद में पिक्चर ना आए भाई, ये गार बनी हुई है इसके अंदर ही बिल्कुल वाटरफॉल के करीब लेके जाती है। यहाँ पे सर अपना बचाना है बिल्कुल डोन होके, वाओ व्हाट अ जबरदस्त भाई, मजा आ गया अंदर आने का। ये अंदर लाइटें लगी हुई हैं, तो ये घर है सारी और सर बचा के रखने अपने आप में। जी नाजरीन देख लें इतना मजा कहीं नहीं आना आपको। भाई थक गया हूँ और मेरे बिल्कुल इस तरफ आपकी वाटरफॉल है दुदन वाटरफॉल और ये लोग नीचे खड़े भी हैं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने भाई, ये अंतालिया की शान है शान।
जनाजी ने मुझे की बात आपको बताता हूँ तो यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी जो बाहर वाटरफॉल है लेकिन बाहर के अंदर से भी कितना गंगा पानी गिर रहा है। जो बाहर मैं ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कितना गंगा ये पानी गिर रहा है। ये देखें कि पानी पे मेरे ऊपर पानी सब गिर रहा है, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन सब बचा के भाई मजा आ गया। मैं तो कहता हूँ अंतालिया आने के बाद कैलिफोर्निया आल्टी बीच और आज ब्लू वाटरफॉल, मैं कहता हूँ इसने अंतालिया आने का दिल खुश कर दिया।